आप सबका स्वागत है जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर श्याम और पवन जी का जिन्होंने अविश्वसनीय कंपनी बनाई है। अगर कोई आदमी उनको कहानी में सुनेगा तो ये विश्वास नहीं होगा कि इस तरह की शुरुआत करके इस तरह के बैकग्राउंड से कोई आकर के एक IT कंपनी चला सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी रिमार्केबल फीट इफ समबडी हैज़ अचीव्ड। पूनिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड इस तरीके का ही है। हनुमानगढ़ में करीब मेरे ख्याल से 1.5 लाख की पॉपुलेशन होगी अभी। आई बिलोंग टू प्लेस कॉल्ड खेरथल, नियर अलवर डिस्ट्रिक्ट। 50,000 के आसपास पॉपुलेशन होगी अभी उसकी। एंड व्हेन आई केम हेयर इन जयपुर, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इंटरनेट इन राजस्थान वे बैक इन 1999। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू इज, बहुत लोग यहाँ छोटे गांवों से आए हुए हैं, तो ये सपना और ये इनकी कहते हैं जागीरदारी नहीं है कि बड़े शहर का आदमी ही कुछ नया इनोवेट करेगा या बड़ा बनेगा या पूरे देश को सर्विस देगा। आप सब लोग ये सपना अगर लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हमें कुछ करना है और नया काम करना है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अचीव व्हाट यू ड्रीम। चाहे आप नारायण मूर्ति का नाम ले लें, जब उन्होंने अपनी इन्फोसिस कंपनी चालू की थी, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख करके उन्होंने चालू की थी। इतने पैसे भी नहीं थे। ये शुरुआत करने की बात है, जुझारूपन की बात है कि मैं ये सपना अचीव करना है। आज की तारीख में जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे जिन्होंने 20 साल पहले सर्विस चालू की थी, उनका बैकग्राउंड कोई रिच बैकग्राउंड नहीं था। चाहे हम विजय शेखर शर्मा की बात करें, पेटीएम की, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड। जयपुर में उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ, उनका जो परिवार है वो मानसरोवर में रहता है। उनकी वाइफ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, नौकरी करा करते थे 15,000 रुपये की, आज 9,000 करोड़ रुपये बैंक में। 15 साल में सारी जिंदगी चली गई, चेंज हो गई। जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात इन सब में कॉमन है, सपना देखने की और मेहनत करने की। बाकी सब चीज़ें रास्ते में मिल जाती हैं। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा। मुझे कहीं जाना है, तो मैंने पवन जी को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इजाज़त दें, मैं चला जाऊँ वहाँ पर। आई को अटेंड सम अदर फंक्शन। अगर हमने फेलियर कौन होता है लाइफ में, हु इज़ द फेलियर? फेलियर 2 तरह के लोग हैं। या तो वो पहला स्टेप नहीं लेते, डर के बैठे रहते हैं घर पर कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और सेकेंड, जो अगर फेल हो जाए तो दोबारा उठने के लिए राजी ना हो, जो दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं हो। फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर पहला स्टेप आप अगर नहीं लेते हैं, तो हर आदमी को ये एनकरेज में कोशिश करता हूँ करने की कि अगर आपने कोई सपना लिया है तो आप फर्स्ट स्टेप जरूर लें उसका और उस रास्ते पे जाएं। जैसे आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, ये एक जर्नी है। हमको पता है कि हमें महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में डॉगमा सॉफ्ट के प्रोग्राम में आना है, तो मेरे ख्याल से हमने किसने भी नहीं सोचा बारिश आएगी, क्या कोई दंगे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं पर कोई रोक तो नहीं लेगा, कहीं पर गड्ढा तो नहीं होगा, किसी लोगों को रास्ता भी नहीं पता था शायद घर से, तो रास्ते पे पूछ लेंगे। हम जर्नी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमारा गोल क्या है, यहाँ पर पहुँचना। सेम चीज़ हमारी कंपनी में है। अगर हम ये सोच लें कि हमारे को ये रास्ता अचीव करना है, यहाँ पर पहुँचना है, तो रास्ता अपने आप आपको मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी, हम सब कैपेबल हैं उसको ओवरकम करने के लिए, और सब लोग जुड़ जाते हैं। मैंने बहुत बार सुना है, अगर कोई अकेला चलता है, पूरा कारवा उसके साथ जुड़ जाता है उसको हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।